गल बड़े पीड़े नहीं है तो मौलवियां बैठा हाँ मैं जेड़े आने नबी माज अल्लाह मर गया नबी मर गया माज अल्लाह है जी उस अगे पता है तू एवं खल खल के टां टां करने रहने सलाम पढ़ने रहने हो नबी गया मिट्टी ना मिट्टी हो गया और मिट्टी पियो और मिट्टी तुसा ते पैवे सोचो मैं कुरान पेश कर रहा कोई बंदा दलील नहीं पेश करेगा मैं अगे एक जगह खिताब से बयान की थी, दलील मेरी नकल करेगा जड़ा भी करेगा मैं दलील पेश की थी है जड़े आने मर गए अदीसा ढूंढने सूफिया ना कलाम ढूंढने ए गल भी आनी इक्तजाम नसे तलावत उन्ने से सराहत उन्न से मैं सराहत उन्न से बोलना भाई गल सुनो बेकारी कला दे मुसलमानों इस कैमरे के हवाले से मेरा खिताब जो जी शऊर सुनेगा गोल्डन शिफ का मुरीद सुनेगा पीर मेरली का मानने वाला सुनेगा गौसे जली का मानने वाला सुनेगा हिंदुल वली का मानने वाला सुनेगा मौला अली का मानने वाला कोई खतीब ना बड़े बड़े खतीब सोने बोलने वाले पर मैंने आज दिया गल भी सुनियो थूड़िया बह के पढ़िया ने मैं ना किसी कालजा च गया ने ना स्कूलों च गया ने कहना मैंने सामने कालजा लिया पुत्रां नू प्रोफेसर भी कहना मैंने है जी के मैं आख्या सुने आने मेरी मर के मिट्टी हो गया हूं उसे कहे इन्ना का मैयत हूं वो इन्ना हम मैयत हूं तू भी मरसे थे वो भी मरसन अल्लाह जी आख छोड़ा अल्लाह साहब तू आख छोड़ा ते अल्लाह हे भी तो आख्या ना ये फिर कि गल आई अल्लाह इतने और आना तो उसे और आना था कुछ अभी बयान अभी कुछ बयान है गोया तेरी जबान के नीचे जबान है अल्लाह जी ये कह पे करने हो इतने मुर्दा पे आने हो जैसे और पे आने हो अल्लाह क्या तुम्हारा कसूर अपने अकलों में और बद शकलो तुसानी अकल कोई नहीं ना शकल ले ना अकल ले ना असल ले तेरा नकल ले इंदा का मैयत कजिया दायमा मुतलका नहीं कजिया दायमा मुतलका नहीं कि हमेशा ही तू मैयत रह से उन लम्हात में एक लम्हे में तुझ पर ये हाल गुजरेगा मनातका के नजदीक ये कजिया दायमा मुतलका नहीं है ये हमेशा ही मोया रह से वो तो हमेशा तो सूरज भी नहीं मरना पांच छह घंटे बाद डुब के फिर सिर घट आना है ये रसूलुल्लाह कुल वड्डा है राती यही डुबना है जिस तरह होता है गया खत्म होना आना ही नहीं तो तुम फिर सिर कटिया होना वो तो है ना भी नहीं मरना वह सुनो मेरा जुमला थैंक यू सारे चंद ते सूरज भी नहीं मारना जान दे दी तीस रोशनी जे पाई
ते जेड़े चंद ते सूरज ने ज़हूर ना सबबे सुन के आखे अल्लाह मा कान लकुम अंतो जू रसूल अल्लाह है वला अंतन के हू अजवाज हम मिंबा दे ही अबदा। ओए मुसलमानों, तुम्हें ये जेब नहीं देता कि रसूलुल्लाह को ईजा दो, तकलीफ पहुंचाओ, टॉर्चर करो जहनी तौर पर, तुम्हें जेब नहीं देता। और ना तुम्हें ये जेब देता है कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद जब तक इसकी बीवियां जिंदा हैं, बकायदे हयात हैं, इनमें से किसी के साथ निकाह करो, ये भी तुम्हें जेब नहीं देता। हजरात, मैं सवाल करना, इतने अगर कोई देवबंदी बैठा है, आलम चोटी ना बैठा है, इलम वाला है, माकूल आके सवाल कर सकना है, मैं हाजिर हूं। ये तो मैदान का खरा है, मेरा दादा मैदान का सी, तो पोतरा मैदान का नहीं। मैं उसी दादे का पोतरा वा, सिर्फ प्राप्ति का वारस नहीं हाँ, मैं दो लफ्जों का भी वारस हाँ। भुलेखा ना खायो, मां पीर सिर्फ समझ रहो, जे गदिया ते बह के खाली मुलाकात करते नहीं है, पेड़ तुहाडे सामने वे पेड़ पाया कि नहीं। समझ आई के मैं आख्या? मैं के आख्या? ते तुसा ये भी जेब नहीं देना के नबी नी वफात तो बाद उसनी बीवी विचू जेड़ी जिंदा होवे, जब तक वो जिंदा रहे उस नाल तुसी निकाह करो, ये तुसा जेब नहीं देना। और दो जुमले मां का ना लको मन तो दू रसूल अल्लाह है अजियत दो, ठीक है जी, ये तो जाहिरी जिंदगी ला ली, इसे ये समझा जाता कि ये हुक्म दिया गया कि जब जहरी हयात में रसूलुल्लाह सांस ले रहे थे, इसका ताल्लुक इस जुमले के साथ है, मां का ना लको मन तो दू रसूल अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ने ये जो बात कह दी, बला अंतन के हूँ अजवाज हूँ मिम्बा दे ही अबदा, जब तक इसकी बीवियां जिंदा रहें, रसूलुल्लाह के वफात के बाद भी तुम उनके साथ निकाह न करना। ओए, जे नबी मर गया हो गया ते इजात है, तकलीफ जीनिया पहुंचनी या मोया पहुंचनी? इंसाफ करो, दलील मेरी है, मैं कुरान मुताला करता, कोई बंदा दलील ना लिखी, मैं पेश की, निकाह ना करो जे नबी मर गए तो उस तकलीफ मोया तकलीफ होनी, तकलीफ जीने होनी। मतलब ये कुरान प्यान है, नबी होन भी जीने कब्रां ते होन, जेड़े असी उठ के कदे दरूद शरीफ या मिलाद शरीफ जो दूध के पढ़ छोड़ने हैं, ते जेड़ा जीना होना है वो तकना भी होना है। अच्छा, ते गौर गल मैं करा, कोई नहीं आना मरने ने तो सारी गल करने ने मर जोगे, मरने जोगे, लेकिन ये कोई नहीं आना के आप तो दुनिया तू गए 1400 साल हो गए, लेकिन कब्रा विच मरने तो बंदे हो भी पे ना, तो क्या मत तक मरने वैसे हूं, तो हूं कौन आना कब्रा चो? नबी तो टोल गया, कौन आना हूं? जे तुसी आखे हो सुनो, हर पासू टट्टा बंद कर सा पुत्र, मैंने कितने
गुस्ताखे रसूल दा डट्टा गल सुन ओ तू आखे नहीं जी उन्हां दी फोटो आनी है जे तू बैठो बड़े मजे की गल है जे तू आखे जे फोटो आनी है आप तो गया मर गया तो फिर फोटो जायज हो ही ना तो फिर फोटो जायज हो फिर तू तो क्यों दर्द पैना आखे फोटो आराम एक पास आ या इस पास हो एक तरफ दिल हो जाए उनका हो या मेरा हो उसने अक्स आना अक्स भी तेरे नजदीक आराम है अल्लाह जरा अक्स भेजना है वो अल्लाजी युसव्विरकुम फिल अरहाम कैफा यशा समझ आई के मैं आख्या के तस्वीर आई है जी उसे ते तस्वीर आई है तुसा भी तस्वीर बना के भेजा इस कुरान आने जो सब रुकम फिर अरहाम है माओ ने पेटा च मैं तस्वीर बनाना बंदियां ने कैमरे तो बगैर कैमरे तो बगैर कैमरे जरा गल आनी भैया कैमरे भी कैमरे हाँ तस्वीर पे बनाना है माओ ने रामा बेच मतलब ये हराम है ते तू फिर अपना वजूद तक एक केड़े खाते ने अब थक गया तू ये तस्वीर हराम है ते यो सब रुकम फिर हराम है अल्लाह मतलब नाजायज काम कर रहा है टिड्डा च तस्वीर च बनाना रहा ते उधरू आने सुन्नत अल्लाह है अल्लाह की सुन्नत चलो सुन्नत रसूल होते कि सुन्नत अल्लाह होते वे सुन्नत अल्लाह होते सुन्नत एक सब्य रुकम फिल हराम है कैफ आई अच्छा ते अगर ये हराम है ते तू फिर के छह में दस मान नसब अपना दस ਐਡੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚ ਫੋਟੋ ਹਰਾਮ ਹੈ ਬਿਦਤ ਹੈ ਨੋਟ ਪਾਏ ਖੱਬੇ ਜੇਬੇ ਚੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖੱਬੇ ਹੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਦਿਲੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਦੀ ਆਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਸੁਨਤ ਨਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਰਾਣੀ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੀ ਹੈ ਅਖੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਲੱਗਣਾ ਹੀ